बनारस रेल इंजन कारखाना बनारसी ने 45वीं बैच एक्ट अप्रेंटिस 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत विभिन्न ट्रेड्स के लिए अप्रेंटिस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 374 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां आईटीआई पास और महज 10वीं पास दोनों योग्यता वाले युवाओं के लिए निकाली गई है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल को शाम 4:45 तक है। ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2022 शाम 4:45 तक है। इच्छुक उम्मीदवार blw.indianrailways.gov.in यानी कि blow.indianrailways.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 374 पदों पर अप्लाई करने के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें आईटीआई पदों के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास एवं संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट जरूरी है। वहीं नन आईटीआई पदों के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास, तो वही आयु सीमा की अगर हम बात कर ले तो नन आईटीआई वालों के लिए आयु सीमा 15 से 22 वर्ष, आईटीआई सीटों के लिए 15 वर्ष से 24 वर्ष, लेकिन वेल्डर व कारपेंटर ट्रेड छोड़कर वही एससी व एसटी अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि उच्च शैक्षणिक योग्यता वालों को पूरे प्रक्रिया में कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। वहीं रेलवे की ओर से उपरोक्त पदों के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। वहीं सभी पदों पर चयन अभ्यर्थियों के 10वीं कक्षा में प्राप्त मार्क्स के आधार पर बनाई गई मेरिट से होगा। नॉन आईटीआई चयन प्रक्रिया में आईटीआई पास अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, लेकिन उन्हें आईटीआई के प्राप्तांक यानी मार्क्स का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। केवल उनके पास अधिसूचित ट्रेड का प्रमाण पत्र मार्क्सशीट होना जरूरी है। दो उम्मीदवारों के द्वारा समान अंक हासिल करने पर ज्यादा आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। वही ट्रेनिंग की अवधि एनसीवीटी और एससीवीटी प्रमाण पत्र के अनुसार होगी। ध्यान रहे कि अभ्यर्थी केवल एक ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है, या तो आईटीआई सीट वाला या फिर नॉन आईटीआई सीट वाला। दोनों भरने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। नोटिस में ये भी कहा गया है कि ट्रेनिंग के बाद अप्रेंटिसों को नौकरी देने की रेलवे की कोई बाध्यता नहीं होगी। वहीं अगर आवेदन फीस की बात करें, जनरल ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए है और एससीएसटी व दिव्यांगों के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपके लिए रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी शुभम ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।